हेलो एवरीवन, मैं आपको रोहित, आपका दोस्त बदबू, स्वागत करता हूँ आपके अपने आइडल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि अपने ऐप्स को रिजेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो देखो, मोस्ट ऑफ द जितने भी हम प्ले स्टोर पर ऐप्स को अपलोड कर रहे हैं वो सब अभी रिजेक्ट ही हो रहे हैं। तो मैं आपको कुछ रीजन्स बताने वाला हूँ कि किस लिए हमारे ऐप्स रीजन होते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐप्स को रिजेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने नोटपैड में कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की ऐप नेम। तो देखो, आपका ऐप नेम एकदम यूनिक होना चाहिए, किसी का भी कॉपी नहीं रहना चाहिए। अगर आप किसी का भी ऐप नेम कॉपी कर देते हो, जो भी आपका ऐप रहेगा वो 100% रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, मेटा डेटा पॉलिसी। तो देखो, जितने भी अभी ऐप्स आप अपलोड कर रहे हो वो सब मेटा डेटा पॉलिसी ही रिजेक्ट हो रहे हैं। तो मेटा डेटा पॉलिसी में डायरेक्ट बोला गया है कि आप ये जो स्क्रीनशॉट आपको बाजू में दिखाई दे रहा है, ये जो सिंबल है उसको आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं करना। अगर सपोज आप इन सिंबल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर फुल डिस्क्रिप्शन में यूज करते हो तो आपका ऐप 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेटा डेटा पॉलिसी डायरेक्ट बोलता है डू नॉट यूज डैट सिंबल इन द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन। ओके, अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, आइकन्स। आपको आइकन्स किसी भी ब्राउजर से डाउनलोड नहीं करने, गूगल में जाके सर्च करके आपको डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है, या फिर किसी का भी ऐप आइकन डायरेक्ट कॉपी करके डायरेक्ट अपलोड नहीं करना। तो आपको ऐप आइकन्स खुद से क्रिएट करना है, यूनिक क्रिएट करना है। अगर आप किसी का भी ऐप आइकन कॉपी करोगे तब भी आपका ऐप रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के, स्क्रीनशॉट। तो देखो, स्क्रीनशॉट आपको किसी का भी कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से जो भी आपके ऐप्स रहेंगे उसी की स्क्रीनशॉट लेके आपको अपलोड करना है। अगर आप किसी का भी स्क्रीनशॉट अपने ऐप्स में अपलोड कर देते हो तो तब भी आपका ऐप 100% रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। आपको पता होगा जो गूगल पॉलिसी में क्लियर बोला गया है कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन को अपने ऐप्स में यूज करना है। अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन को यूज नहीं करते हो तब भी आपका ऐप 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन का पेज अपने ऐप में इंक्लूड करना ही करना है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पैकेज नेम। तो देखो, किसी का भी पैकेज नेम कॉपी नहीं करना है। तो सबसे पहले जब भी आप अपने ऐप्स को क्रिएट करते हो तब आप गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हो कि ये पैकेज नेम अवेलेबल है क्या नहीं है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तब आप उस पैकेज नेम को यूज मत कीजिए। अगर आप उस पैकेज नेम को आप यूज कर देते हो तो आपका ऐप तब भी 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैकेज नेम में यूनिक आइडेंटिटी बढ़ता है। ओके, तो यूनिक आइडेंटिटी अगर आप शो नहीं करते हो मीन्स आपका पैकेज नेम सेम रहेगा तो 100% आपका ऐप भी रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, एड्स इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो, एड्स इम्प्लीमेंटेशन आपको लिमिटेड करना है। जो गूगल एडमॉब की पॉलिसी है उसको फॉलो करके ही आपको एड्स को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप सपोज एक ही स्क्रीन में मल्टीपल एड्स को इम्प्लीमेंट करोगे तब भी आपका ऐप 100% रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वेबसाइट ट्रैफिक्स की। तो देखो, वेबसाइट ट्रैफिक्स क्या होता है, हम अपने ऐप्स में एक वेबसाइट ट्रैफिक्स की लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। मीन्स जैसे हमारे ऐप्स है उसमें हम अपने ही वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो हम किसी भी वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो गूगल प्ले कंसोल पॉलिसी ने डायरेक्ट बोल दिया है कि आपको ऐसे कोई भी वेबसाइट ट्रैफिक को यूज नहीं करना है। अगर आप इनको यूज करोगे तब भी आपका ऐप 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया आपको एक एक समझ में आओगे। तो मैं आपको क्विक रिविजन बता देता हूँ। आपको ऐप नेम सेम नहीं रखना है, आपको मेटा डेटा पॉलिसी को यूज करना है, मीन्स किसी भी सिम्बॉल को यूज नहीं करना है अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन में, एंड आइकन आपका एकदम यूनिक रहना चाहिए, आपको खुद को क्रिएट करना है। स्क्रीनशॉट आपको किसी का भी कॉपी नहीं करना है, अपने ऐप का ही डायरेक्ट डालना है। एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आपको इंक्लूड करना है। एंड पैकेज नेम आपको यूनिक रखना है, किसी का भी एग्जिस्टिंग नहीं रखना है। एंड सबसे मेन, एड्स इम्प्लीमेंटेशन को आपको ध्यान में रखना है, पॉलिसी को ही आपको फॉलो करके एड्स को इम्प्लीमेंट करना है, एंड वेबसाइट ट्रैफिक्स को यूज नहीं करना है। तो देखो, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपका ऐप 100% रिजेक्ट होने से बच सकता है। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल इंट्रो को भी दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तब भी आप तक जल्दी से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।